आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत कमाल की कहानी बताने वाला हूं, और कहानी ईरान की है। ईरान आखिरकार सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्यों बना है? अभी मैं बता दूं कि ईरान ने इराक और सीरिया पे हमला किया है। इराक और सीरिया जो अरबिल सिटी है वहां की, ठीक है, वैसे आपको बता दूं करमन और रास्क सिटी पहले, अभी इसी दिसंबर को कासिम सुलेमानी, जो 2 साल पहले अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मारा था, जो कि IRCG के हेड थे, और अभी उनकी जो अंत्येष्टि है वो परफॉर्म की, मतलब अंत्येष्टि कह रहा हूं, जो उनकी डेथ एनिवर्सरी है, काफी लोग जुटे थे और वहां पे हमला हुआ तो काफी लोग गए। तो उसके रिवेंज में ईरान ने इराक, नॉर्दर्न इराक और नॉर्दर्न सीरिया पे हमला किया। अब बता रहे थे कि इराक में तो इसराइल के भी जासूस काम कर रहे थे, वहां पर हमने हमला किया, कुर्दिश एरिया है बेसिकली ये, ठीक है, तो हमला हुआ, अमेरिका ने इसको काफी कंडेम किया। देखिए एक काम करते हैं, पहले आज मैं आपको बहुत ही, मतलब आप लंबा लेक्चर लूंगा आज मैं, और मैं आपको आज बताऊंगा ईरान के बारे में, आज ईरान का इतिहास समझिए और आप यह देखिए कि आखिरकार ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसा कैसे है और ईरान चाहता क्या है। और एक समय जहां, जब अमेरिका और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज तो ईरान में थियोक्रेसी है, एक समय में दोस्तों ईरान में इतनी मॉडर्निटी थी, इतनी मॉडर्निटी, लोग छुट्टियां मनाने जाते थे, लड़कियां आराम से बिना पर्दे के हर जगह घूम सकती थी। पर आज वहीं पे ही हम देखते हैं कि लड़कियों ने प्रोटेस्ट पूरा करके रखा हुआ है और बुरी हालत है। हालांकि ईरान जो है, आपको बता दूं कि एज अ देश वो अभी तो ठीक काम कर रहा है और इस्लामिक लीडर बनना चाहता है। छोड़िए आप, एक काम करते हैं, पहले हम ईरान के इतिहास को देखते हैं। देखिए ईरान का इतिहास बहुत पुराना है, 2000-2500 साल पुराना है। पर्शियन एम्पायर और ढेरों एम्पायर, अखामनिद, असीरियन, ये सब यहीं से ही ओरिजिनेट हुए। लेकिन अगर मॉडर्न इतिहास की बात करें तो देखिए ईरान पहले तो, अगर किधर चला गया, हाँ ठीक है, तो ये है आपका ईरान, इसको ऊपर कर देता हूं मैं, राइट। तो ये अगर ईरान की बात करते हैं, इस पे हर कोई कंट्रोल चाहता है ईरान पे, ओके, क्यों कंट्रोल चाहता है? अरेबियन सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, रेड सी, भाई ये अभी जैसे हूतीज ने इसी एरिया को, जहां से भी, क्योंकि देखिए जो ये सऊदी वाला थी हिसाब किताब है, तो एक तो तेल यहां से जाता है और एक तेल यहां से जाता है, इस एरिया को अगर ब्लॉक कर दिया तो खेल खत्म है भाई। यमन में जो हूती रिबल्स है वो इस एरिया को ब्लॉक कर रहे हैं, या इस एरिया को ब्लॉक कर दिया तो तेल कहां से जाएगा? तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों रशिया से। रशिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और रशिया हमेशा से यह चाहता था कि हमको समुद्र का एक्सेस मिले। इस दुनिया में जिसके पास भी समुद्र का एक्सेस है वो सुपर पावर है। तो रशिया को ईरान, वो चाहता था रशिया ईरान के ऊपर कब्जा, और रशिया उस समय ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब पूरे रशियन एम्पायर का बड़ा हिस्सा थे। तो रशिया ने यहां पे ईरान पे 1824 के करीब हमला, 1804 के करीब हमला किया और अपने इस पूरे के पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। इस समय यहां पर काजार डायनेस्टी थी जो कि 1789 में आई थी ईरान में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान साइन की। अब ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ईरान का, ये रशियन एम्पायर के कब्जे में आ गया, ओके। ये देखिए ब्रिटिश एम्पायर, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ईरान से इसका बॉर्डर लगता है, क्लियर है ना, ये देख सकते ना, ये पूरा ब्रिटिश एम्पायर के पास था। ब्रिटिश एम्पायर ने बोला कि अरे भैया रशिया आ रहा है, उस समय ब्रिटेन, जैसे आज अमेरिका, उस समय ब्रिटेन था, तो हम भी यहां पर कब्जा करेंगे। तो 1860 आते आते ब्रिटेन ने साउदर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया ईरान के, ट्रीटी साइन की, हालांकि कब्जा इन द सेंस इनडायरेक्ट की ट्रीटी साइन की, डायरेक्ट पूरे एरिया पे तो कब्जा करेंगे नहीं। और फिर कई बार कई राजा आते रहे, ठीक है, किंग फहाद आते रहे, मोहम्मद शाह आते रहे, बहुत सारे राजा आते रहे जो बोलते रहे कि भैया भागो तुम, भागो तुम, रशिया की यहां पे कोई जगह नहीं है, ब्रिटिश की कोई जगह नहीं है, पर कोई फायदा नहीं हुआ, ब्रिटिश यहां पर कब्जा करता रहा। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू होता है तो चीजें एकदम बदल जाती है, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ कि देखिए जो राजा था रशिया, जो है रशिया यहां से अपना बोरिया बिस्तर निकाल के भाग गया, रशिया को इतना कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो ब्रिटेन बचा। अच्छा ब्रिटेन ने क्या बोला, ब्रिटेन ने ईरान में यह देख लिया कि यहां पे तेल निकलेगा बढ़िया तरीके से, और अगर यहां पे तेल निकलेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ब्रिटेन ने अपनी कंपनी बनाई, ठीक है, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनाई, और ब्रिटेन ने यहां पर तेल निकालना शुरू किया। अब ब्रिटेन ने जब यहां पर तेल निकालना शुरू किया, विलियम करके एक ऑफिसर थे ब्रिटेन के, वो यहां पे तेल निकालने गए थे और उनको तेल मिल भी गया।
हुआ क्या कि यहां पे जो पूरा ईरान का एरिया है, ब्रिटेन काम कर रहा था, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, ना ही राजा को पसंद आ रहा था। भाई हमारी धरती पे आप काम कर रहे हो, हमको क्यों पसंद आएगा। ईरान में मिल जाता है तेल, और जब ईरान में तेल मिला, जैकपॉट लग गया। ब्रिटेन ने इस पूरे के पूरे तेल को पूरी दुनिया में फैलाना, अपनी एनर्जी पूर्ति करना शुरू कर दिया। अब लोगों का और मूड खराब, लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई हमारी धरती पे तेल मिला है और तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमारी धरती पे तेल मिला तुम अपने लिए यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। राजा के ऊपर आरोप था, क्योंकि ब्रिटेन राजा को खूब पैसा देता था, और राजा खैर कोई बोल भी नहीं सकता था। राजा के ऊपर लोग ये आरोप लगाते थे कि तुम तो जाके ब्रिटेन की गोद में बैठ गए हो, तुमको तो कोई लेने ही देना नहीं हमारे से, हम क्या कर रहे हैं। 1906 में पहली बार मजलिस बनी। मजलिस क्या? पार्लियामेंट। ईरान ने पार्लियामेंट, ईरान के लोगों ने बोला बस बहुत हुआ, अब यहां पे बनाओ संसद, मतलब पार्लियामेंट बनाओ, ठीक है, हमको यहां पे बैठना है। राजा अपना काम करता रहे, लेकिन पैरेलली एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, तो मजलिस बनी। अब देखिए लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो 1906 में मजलिस बनाई गई। 1909 आते आते यह मजलिस और ज्यादा ताकतवर हो गई। मोहम्मद शाह जो राजा था वो और ब्रिटिश के आगे, ब्रिटिश के साथ हो गया, तेल लगातार निकलता रहा, लोगों का गुस्सा बढ़ता रहा, लोगों का एक ही मानना था कि भाई ये ब्रिटेन को भगाओ यहां से। अब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाता है। अब राजा जो है, भाई देखो यहां पे तेल है, सब कुछ बढ़िया है, वर्ल्ड वॉर वन में कौन था? अब यहां पे भी अमेरिका की भी एंट्री होगी। वर्ल्ड वॉर वन में जो ईरान है वो जर्मनी को भी सपोर्ट कर रहा था। देखिए हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर वन में यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि जर्मनी जीत जाए, और अगर जर्मनी जीत गया तो हमको पूरा उससे ट्रेड करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं राजा का झुकाव जर्मनी की तरफ था। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, कौन जी, जर्मनी हार गया बुरी तरीके से। अब अमेरिका की भी एंट्री होगी, लेकिन अब यहां पर आपको बता दूं कि 1925 में कुछ ऐसा होता है, 1925 में यहां पर कजार डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है, और रेजा खान ये आ जाते हैं। रेजा खान कौन है? रेजा खान यहां के मिलिट्री लीडर थे। अमेरिका ब्रिटिश की मदद से ये आ जाते हैं, राजा को खा के फेंक देते हैं। लोगों का अभी भी गुस्सा है ब्रिटेन के खिलाफ, पैरेलल यहां पे लोगों का गुस्सा ब्रिटेन के खिलाफ है, और जो ताकत है वो राजा के खिलाफ है, और राजा कभी ब्रिटिश की तरफ जाता है, कभी लोगों की तरफ जाता है, और फाइनली 1925 में इसका अंत हो गया। रेजा खान ने बोला भैया हटाओ, सबको साइड में हटाओ, और हमारा राज्य चलेगा। तो पहलवी डायनेस्टी का स्थापना हो जाती है 1925 में। और रेजा खान जैसे ही आता है, उसने कमाल के मॉडर्निटी, मतलब पूरा ईरान को मॉडर्न कर दिया। लड़कियां जो करना हो करे, जैसे करना हो करे, स्कूल खोलेंगे, सब कुछ किया उन्होंने मॉडर्निटी में। आप 1925 का अगर ईरान देखेंगे, 1925 से लेकर 1970 तक, आपको विश्वास नहीं होगा। आप बोलेंगे अमेरिका है क्या? अमेरिका के लोग ईरान जाते थे, पूरी दुनिया ईरान जा रही है, लेकिन यहां उसने अमेरिका के साथ भी हाथ मिलाया। अब जब अमेरिका के साथ अब यहां पे अमेरिका की एंट्री होगी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, और अमेरिका को भी तेल चाहिए था, तो अमेरिका ने बोला कि भाई ब्रिटिश से बोला कि एक काम करो, तेल कंपनी तुम्हारी है, अब इसमें 50% हिस्सा हमको दो। ब्रिटेन मान गया, तो अमेरिका भी तेल, ईरान से जो तेल निकल रहा था उसका अच्छा खासा हिस्सा अमेरिका लेने लगा, और अमेरिका ने खूब पैसे दिए। $500 मिलियन का एड देता था अमेरिका, बदले में भाई हमको तेल दो, बदले में तुम जो चाहोगे हम तुमको देंगे, पैसे चाहिए हम पैसे देंगे। लेकिन यहां पे जो रेजा खान था उनके खिलाफ गुस्सा लोगों का बढ़ रहा था। क्यों? रेजा खान ने मॉडर्नाइज तो किया, लेकिन वो अपने हिसाब से मॉडर्नाइज किया। एग्जांपल के तौर पे जो लोग रेजा खान के खिलाफ बोलते थे उनको मरवा देता था। प्रेस को उसने सेंसरशिप लगा दी, जो वो चाहेगा वही छपेगा। सिलेक्टिव डेवलपमेंट किया रेजा खान ने, इससे लोग दिमाग खराब। 1951 में कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा ईरान एक साथ जागेगा। लोगों का गुस्सा था, लोग कह रहे थे कि रेजा खान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया, और अमेरिका ईरान को कंट्रोल कर रहा है, हमसे तेल ले जा रहा है, हमारे रिसोर्सेस को वो यूज कर रहा है। 1951 में मोहम्मद मुसाद्दिक, इनका नाम सुना है आपने, ये प्रधानमंत्री बनते, एक हाईली क्वालिफाइड इंसान, एक ऑथर, एक पॉलिटिशियन, ये जब ईरान की सत्ता में आए तो चीजें बदल गई। इन्होंने ईरानियन लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये अमेरिका, ब्रिटेन, ये पूरी दुनिया तुमको नोच डालेगी। देखिए ईरान एक शिया देश है, आपको पता है ना, ईरान इज अ शिया कंट्री, और इस दुनिया में 90% सुन्नी है, 10% ही शिया है, ठीक है। तो अब यहां पे मुसद्दक ने कहना शुरू किया, 8 करोड़ ही लोग रहते हैं, लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो यहां पे बोला कि भाई देखो तुमको मार डालेंगे ये लोग, ये अमेरिका ब्रिटिश सब तुमको नोच खाएंगे,
मजलिस बनाई, किस लिए बनाई है? चलो रिवोल्ट करो, सब प्रोटेस्ट हर जगह शुरू हो गए। लेकिन अब मोहम्मद शाह मोहम्मद रजा पहलवी आ गए, ठीक है, मतलब इनके बेटे रजा खान के, उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया यहां पे, और उनका भी एक ही एटीट्यूड था कि वो अमेरिका का ही साथ दे रहे थे, है ना। लेकिन फिर मोहम्मद मुसद्दिक तो थे, अब एक ऐसा लीडर आया जो पूरी तरीके से ईरान को बदलने वाला था, जिसका नाम था रोहिल्ला खोमेनी, समझ रहे हो। और इन्होंने वो कहना शुरू किया जो पब्लिक सुनना चाहती थी। खोमेनी बोलते हैं कि तुमने आज तक इतने सालों से तुम गुलाम बन के रहे, कोई तुमको डेमोक्रेसी के नाम पे बेवकूफ बनाता है, कोई तुमको मोनार्की के नाम से, अरे भाई असली तो अल्लाह रूल करता है ना, आदमी की कैसे चल सकती है, चलनी तो अल्लाह की चाहिए। तो यहां पे धार्मिक स्पीचेस देनी शुरू की कि तुम जागो, अंदर के मुस्लिम को जगाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके गुलाम बने हुए हो, तुम पैसों पे पल रहे हो, एंटी अमेरिकन, एंटी ब्रिटिश, मतलब एंटी वेस्ट स्पीच देनी शुरू की। देखते ही देखते पूरी दुनिया, मतलब पूरा ईरान जो है वो खोमेनी के साथ हो गया, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब देखिए इसमें जो पहलवी थे वो बड़ा परेशान हो गया। अच्छा, रोहिल्ला खोमेनी को ईरान भेज दिया पहलवी ने कि भाई तुम ईरान जाओ, तुम यहां रहोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इराक में गया तो इराक में स्पीचेस देनी शुरू कर दी, और इराक में सद्दाम हुसैन रूल कर रहा था, और इराक एक सुन्नी देश। अब सद्दाम हुसैन को डर यह था कि ये इतनी खतरनाक, बहुत गजब ओरेटर थे ये, इतना बढ़िया बोलते थे ये, मतलब समझिए कि नफ्स पकड़ ली थी ना कि भाई लोग तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, अल्लाह की तुम सुन कर रहे हो, इस्लामिक प्रिंसिपल को तुम फॉलो कहां कर रहे हो, तो ये धार्मिक स्पीचेस देना शुरू कर दी। और जो ईरान के शिया थे, इराक के शिया थे, वो इनकी तरफ हो गए, ठीक है। इनके कैसेट्स जो है वो ईरान में स्मगल किए जाने लगे, सुना जाने लगा इनको, जो लोग हैं लाखों की जनता सड़कों पे आ गई, इनके पोस्टर लगा के प्रोटेस्ट करने लगी इनको। फिर सद्दाम हुसैन ने डर के मारे फ्रांस भेज दी कि फ्रांस में रहो तो फ्रांस में भी यही कर रहे हैं, तो हालात बहुत बुरी होगी। और फाइनली 1979 में पहलवी भागे रातों रात, और ईरान में आ गया रेवोल्यूशन, ईरान में क्रांति आ गई रातों रात। और ये थियोलॉजी रेवोल्यूशन था, थियोलॉजी मतलब एक धार्मिक कि अब सब कुछ अल्लाह के हिसाब से चलेगा, अल्लाह के नुमाइंदे जो हैं वही ये देश को चलाएंगे, ना ही कोई डेमोक्रेसी ना ही मोनार्की। जो अमेरिका को इतना प्यार करता था ईरान, वो रातों रात अमेरिका ईरान का दुश्मन हो गया। आर्गो मूवी देखिए, उसको देखिएगा, यहां पे अमेरिकन एम्बेसी पे ईरानियन चढ़ गए और बोला कि आज तो खत्म कर देंगे सबको, तो उनको किसी तरीके से निकाला गया। और आगे रेवोल्यूशन, अब उसके बाद 1980 में 88 तक देखिए, ईरान पे तो कब्जा हो गया रोहिल्ला आयतुल्ला कौन होते हैं वहां पे, जो धार्मिक लीडर होते हैं, ठीक है, जो उलेमाज होते हैं, तो ये उनके आगे आयतुल्ला लगाया जाता है, नाम अलग होता है, रोहिल्ला खोमेनी, आयतुल्ला रोहिल्ला खोमेनी। तो अब हुआ क्या कि 1979 में रेवोल्यूशन आ गया। अब बेटा ये कि ये आप जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, जितना मुस्लिम वर्ल्ड आप देख रहे हो ना, अकेले रोहिल्ला खोमेनी सबके ऊपर भारी पड़ गए। साफ साफ बोलते थे तुमको इंसान रूल कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर कोई जमीनी जमीरी नहीं है, अल्लाह रूल करते हैं, इंसान रूल ही नहीं कर सकते, ये जितने भी राजा है ना तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। इन सब की सारे देशों की हवा टाइट होगी कि भाई हमारी सत्ता छिन जाएगी, ये हमारे रेवोल्यूशन करवा देंगे, और लोग इनकी बातों को सीरियसली लेने लगे। ईरान ने इराक पे हमला कर दिया, दोनों में भीषण युद्ध हुआ। 1980 से लेकर 88 तक ईरान इराक वॉर चला, कोई इसका नतीजा नहीं निकला, सीज फायर साइन होता है। 1989 में रोहिल्ला खोमेनी की मौत हो गई, और अली खोमेनी जो हैं वो अभी भी लीडर है, वो उसके बाद इन्होंने इस गद्दी संभाली, और अभी प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम रईसी। ओके, अब ये तो बात हुई पूरा इतिहास की, तो आप देख सकते हो कि कैसे ईरान जो है वो बदल गया। अब बात करते हैं कि ईरान की दुश्मनी क्यों है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, सऊदी अरब बना 1932 में, लेकिन ईरान 2000 साल से पहले से है। तो ईरान कहता है भाई एक बात बताओ, हम शिया हैं, हम ओरिजिनल ब्लडलाइन हैं, हमारे पास ज्यादा एरिया है, हम इतने पुराने से समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने हर चीज में गेम चेंजिंग साबित हुए हैं, हम अभी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, हम तो आप लीडर कैसे हो गए? सऊदी अरब लीडर कैसे हुआ? बस इस वजह से क्योंकि तुम अमेरिका की गोद में बैठे हो। सऊदी अरेबिया को ईरान धर के गरियाता कि तुम तो अमेरिका के साथ हो, तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा, सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना है,
सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, 3.5 करोड़ के आसपास, एरिया है 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ईरान का एरिया कितना है 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन यहां की 8.5 करोड़, तो पॉपुलेशन वाइज भी हम ज्यादा है, तो तुम्हारी औकात कैसे है? सऊदी अरेबिया कहते हैं बोलते रहो। इसलिए पूरी दुनिया में, पूरी मतलब जहां जहां पे भी, जैसे यमन में अगर बात करते हैं, तो अब यमन में हूतीस को ईरान सपोर्ट करता है लेकिन यमन की सरकार को सऊदी सपोर्ट करती है, ईरान का ज्यादा कोई साथ देता है नहीं। अच्छा देखो, ईरान कह रहा है कि हमको न्यूक्लियर पावर बनना है। क्यों ईरान बार बार कहता है न्यूक्लियर पावर बनना है और अमेरिका बार बार ईरान पर नजर रखे हुए? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियर पावर है वो इस समय इसराइल के पास है, और इसीलिए क्योंकि देखिए अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है, जैसे अभी न्यूक्लियर परमानेंट 5 है, फिर अब पाकिस्तान, इंडिया और इसराइल और नॉर्थ कोरिया, तो अब इसराइल के पास न्यूक्लियर ताकत है, तो न्यूक्लियर ताकत अगर आ जाती ना तो आप कोई फिर आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, ना ही कोई आपको अपोज करेगा। अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र आ गया तो फिर किसी की क्या हिम्मत है, इतनी ताकत आ गई। तो अब अमेरिका जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, लेकिन बाकी देश चाहेंगे ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो इसराइल और अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो, अभी इसराइल के थ्रू अमेरिका जो है इन सब पे दबाव बना के रखता है, लेकिन जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आई, ये दबदबा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसीलिए ईरान जो है अब अमेरिका, अगर उसको जैसे कासिम सुलेमानी को, अब यहां पर IRGC है, ठीक है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ये कौन है? ये वो है जो धर्म की रक्षा कर, ये रेवोल्यूशनरी फोर्स है, ईरान की मिलिट्री आप कह सकते हो। कासिम सुलेमानी को सरेआम मार दिया है अमेरिका ने, ये चीज हुई, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ता आगे देखा तो मार दिया। तो यहां पे लगातार जंग है ईरान और बाकी जो अगल बगल के जितने भी देश हैं। अब पैलेस्टीन जो है, फिलिस्तीन और अभी इसराइल का युद्ध चल रहा है और फिलिस्तीन के लिए ईरान खड़ा है, और ये पूरी दुनिया के मुस्लिमों में बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है। ईरान चाहता है कि चलो ऐसे हम लीडर नहीं बन सकते, बट वैसे हम लीडर बन जाते हैं, पूरी दुनिया हमको सपोर्ट करने लगेगी, और अगर फिलिस्तीन के युद्ध में कहीं ईरान जीत गया या ईरान ने कुछ बढ़िया कर दिया, तो इसीलिए तो हूतीस हर जगह हमला कर रहे हैं, आप देख रहे हो। तो इस समय हालत बहुत खराब है। तो अब ईरान ने क्या किया है, इराक और सीरिया पर हमला कर दिया। क्यों हमला किया? क्योंकि वहां पर इसराइल के जासूस काम कर रहे थे। तो ये पूरी की पूरी कहानी है कि क्यों ईरान जो है वो हमला करता रहता है और क्यों ईरान इज द सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हो? तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी अमेरिका ने भी इसको जम के लताड़ा है कि कैसे आप हमला कर सकते हो, इसको हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तो सरासर गलत है, मैदान में आ जाओ फिर हम तुमको बताते। तो सारी चीजें जो है अमेरिका ने बोले, बाकी जो भी हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।